सोयाबीन खेती करने के लिए सबसे पहले जरूरी होते हैं भूमि निर्वाचन, कौन सी जमीन में सोयाबीन बढ़िया होती है। रेतीली लोम या दोमट जमीन या जिस जमीन में कार्बनिक जैविक कार्बन सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है उस जमीन में सोयाबीन खेती बहुत बढ़िया होता है। सोयाबीन जहाँ किया जाता है उस जमीन पे हर 2-3 साल के बाद कम से कम एक बार गहरी जुताई कर लेना चाहिए। वर्षा आने के बाद सोयाबीन बोने के लिए फील्ड को कम से कम 2 या 3 बार कल्टीवेटर और पाटा चलाकर समतल कर लेना चाहिए। अंतिम बार कल्टीवेटर चलाने के समय प्रति हेक्टर के लिए 5 से 10 टन गोबर का खाद या 2.5 टन मुर्गी का खाद मिलाकर दे देना चाहिए। उत्तर मैदानी क्षेत्र जिसमें हमारा दिल्ली भी शामिल है, इसमें सोयाबीन के किस्में जैसे पूसा 12, SL 952, NRC 130 आदि उत्तम किस्में माना जाता है। मध्य क्षेत्र के लिए जिसमें मध्य प्रदेश भी आते हैं उसके लिए JS 2034, JS 116, JS 335, NRC 128 आदि उत्तम किस्में माना जाता है। सोयाबीन का बीजों का अंकुरण 100% 70 से कम नहीं होना चाहिए। अगर प्रतिशत 70 से कम है तो सोयाबीन का बीज का दर भी उसी हिसाब से बढ़ाना चाहिए। बुआई से पहले सोयाबीन बीजों को थेराम, कार्बेंडाजिम आदि दवाई से शोधन कर लेना चाहिए। जो रीज एंड फारो पद्धति या चौरी करियो के ऊपर सोयाबीन का सोइंग करना चाहिए। सोयाबीन का बोनी हमेशा कटारों पर करना चाहिए। एक कटारों से दूसरी कटारों का दूरी 35 से 45 सेंटीमीटर होना चाहिए। पौधों से पौधों की दूरी भी 4 से 5 सेंटीमीटर होना चाहिए और सोयाबीन के बीज 3 से 4 सेंटीमीटर की ज्यादा गहराई में बोना नहीं चाहिए। हर प्रति हेक्टर में 65 से लेकर 75 किलोग्राम बीजों का जरूरी होता है। प्रायः प्रति हेक्टर के लिए 56 किलोग्राम यूरिया, 450 से लेकर 625 किलोग्राम सुपर फॉस्फेट एवं 34 से लेकर 84 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से म्यूरेट ऑफ पोटास व्यवहार करना जरूरी होता है। जून 15 या 20 से जुलाई 5 तक ये समय सोयाबीन बोने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। सोयाबीन वर्षा निर्भर फसल है, परंतु लंबी अवधि तक अगर बारिश नहीं होते हैं तो सोयाबीन में जल प्रबंधन का बंदोबस्त करना जरूरी होता है। नवजात पौधा, फल आना, फली भरना, इस समय पानी का बहुत जरूरी होता है। सोयाबीन का दूसरा समस्या होता है खरपतवार। खरपतवार नियंत्रण करने के लिए दवाई भी छिड़काव कर सकते हैं, परंतु विशेषज्ञों की सलाह पर ही ये काम करना चाहिए, इससे फलों का नुकसान नहीं होता।